अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब घर में खैरियत से होंगे। तो आप मुझे लगे उम्मीद है कि आप पिछले मेरे लेक्चर से हम कंटिन्यूसली सुन रहे होंगे और उनको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब मजीद जो है इसको मैं आगे देखता हूँ। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 7.7, इसमें क्या कहता है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है लकड़ी का, उसकी उसने लेंथ, वेट और हाइट में बता दिया हूँ। जो हाइट है 20 सेंटीमीटर, लेंथ और वेट जो है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर है, और उसका जो मास है वो हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम है। तो स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, अपनी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़ा है, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज, जो उसका लंबा जो एज है उसके ऊपर, यानी कि 20 सेंटीमीटर वाले के ऊपर। फाइंड द प्रेशर एग्जैक्टेड, इसमें दो चीज़ हमने फाइंड करनी है, कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर एग्जैक्टेड बाय ब्लॉक, ब्लॉक के जरिए जो उसका प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है हमने वो फाइंड करना है, और डेंसिटी ऑफ द वुड, जो उसके अंदर लकड़ी इस्तेमाल हुई है उसकी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखते हैं, जो पहले के हिसाब से हमारे पास जो प्रेशर हमने इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रेशर हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर का हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 7.5 तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.5 × 10⁻²। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर में जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है P = F/A। तो F जो है वो हमारे पास नहीं दी हुई, इसके लिए हमारे पास जो उसने मैस दिया हुआ है, मैस हमारे पास कितना है, 100 ग्राम। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 1 kg के बराबर होता है। तो F = mg होता है हमारे पास, हमें इसका पता है। तो इसको मज़ीद आगे जो है हम इसको देखते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रेशर का, P = F/A। तो F की जगह पर हम इसको क्या करेंगे, मैं पीछे ये लिखा है mg, F = mg/A, एरिया, हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 7.5 × 10⁻², मीटर में थी। तो अब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा 7.5 × 10⁻²। एम की वैल्यू हमारे पास 1, जी की वैल्यू 10, 7.5 × 7.5 ये आ जाएगा 56.25 × 10⁻², ये वाली और -2 ये वाली की हो जाएगा -4। तो इसको जो है मजीद आगे हम करेंगे, प्रेशर आ जाएगा हमारे पास P = 1 × 10⁻⁶, तो ये 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाकर +4 हो जाएगी, 10⁻⁴। तो 1 × 10 जो है 56.25, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.1777। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10⁴, ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको साइंटिफिक लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 है, तो इसको यहाँ से उठाएंगे पॉइंट को, 4 ये डालेगा, 1, 2, 3, 4 ये मेरे पास आ जाएगा 177.7 N/m². इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो 177, ये 5 से ज़्यादा है, ये राउंड ऑफ होकर 1778 N/m². तो अब जो है इसको हमें मज़ीद आगे हमें इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो अब हम वो फाइंड करते हैं। हमने इसे क्या करना है, इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास तो हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम हमने इसके सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में हमारे पास जो है वो 20 × 7.5, ये हमारे पास ऊपर उसने गिवन दिया था, हमारे पास 7.5 × 7.5, ठीक हो गया। तो 20 × 7.5 ये हमारे पास आ जाएगा 1125
सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसने हमें इसको क्या करना है, इसके अंदर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है 1125। तो ये एक, क्योंकि तीन दफा था हम इसको 3 times लिखेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1125 10^5। अब देखें 2 2 4 2 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10^-6 मीटर क्यूब। तो अब इसको मैं यहाँ से इसको राउंड ऑफ करूँगा, तो ये 1.125 10^-3 हो जाएगा, क्योंकि 6 था तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर होता है, तो हम इसको इसको पॉइंट को मैं लेकर इधर आया, तो ये 1.125 10^-3 मीटर क्यूब आ गया। तो अब हम इसको इसके फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करेंगे, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारे पास कितना है, मास हमारे पास कितना था 1 kg, तो 1/ 1.125 × 10^-3 ये किलोग्राम और ये मीटर क्यूब। तो आगे हम इसको करेंगे, जब हम 1 / 1.125 करेंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 0.888। तो ये किलोग्राम में माइनस 3 था हमारे पास नीचे, तो ये ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो साथ में आ जाएगा यूनिट आ जाएगा मेरे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो प्लस 3 है, तो ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 888.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको मैं ऐसे भी, ये भी ठीक है हमारे पास, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 889 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसकी आंसर। तो उम्मीद है कि आपको मेरे जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब हो मुझसे पूछ सकते हैं।